तरीके से इनकी आबादी बढ़ रही है, उसके अनुसार 2029 में कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। 2050 जब आएगा तो उस समय हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, मुसलमानों संख्या अधिक हो जाएगी। क्या साल 2061 के सेंसस होने तक भारत में मुसलमान हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे? यहाँ बात संख्या की हो रही है। ये बात हमें आज इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि कुछ लोगों में यह डर फैलाया जा रहा है कि मुसलमान अपनी हाई फर्टिलिटी रेट के कारण तेजी से बढ़ेंगे और कुछ ही सालों में हिंदुओं से संख्या बल में आगे हो जाएंगे। आपने भी ऐसा कहते लोगों को सुना होगा, तो क्या है सच्चाई? क्या सचमुच एक दिन मुसलमान भारत में बहुसंख्यक हो जाएंगे? चलिए देखते हैं। आज़ादी के वक्त हुए सेंसस को अगर देखें तो उस वक्त देश में हिंदू थे करीब 84% और मुसलमान करीब 10%, और साल 2011 के सेंसस में हिंदू थे 79.8% और मुसलमान थे 16%। मतलब 60 सालों में हिंदू 5% घटे तो वहीं मुसलमान 6% बढ़े। अब ये देखकर आपको लग रहा होगा कि हाँ, कुछ सालों बाद ऐसा हो सकता है, लेकिन कहानी बिल्कुल अलग ही है। आप स्क्रीन पर देखो, 1981 से 1991 के बीच मुसलमानों के बढ़ने की दर थी 32.9%, वहीं हिंदुओं की 22.8%। 2001 से 2011 के बीच अगर आप देखो तो ये घटकर मुसलमानों के बढ़ने की दर हो गई 24.6% और हिंदुओं की कम घटकर हो गई 16.8%। तो देखा आपने, भले ही मुसलमान तेजी से बढ़ रहे हों लेकिन ये फासला वक्त के साथ कम होता जा रहा है। और बढ़ती शिक्षा से ऐसा होना भी था। सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में इस्लाम 17-21% के बीच में सेटल हो जाएगा। लेकिन अब हम मानते हैं कि आगे की ग्रोथ रेट भी 2001 से 2011 के बीच वाली ही रहेगी, मतलब मुसलमानों की 24.6% और हिंदुओं की 16.8%। तो आगे आबादी का आंकड़ा क्या होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो साल 2021 में हिंदू होंगे 112 करोड़ तो वहीं मुसलमान 21 करोड़, 2031 में हिंदू होंगे 131 करोड़ तो मुसलमान 26 करोड़। इसी तरह बढ़ते बढ़ते 100 साल बाद 2120 में हिंदू होंगे 455 करोड़ और मुसलमान 155 करोड़। और अगर बात साल 2281 की करें तो हिंदू होंगे 6378 करोड़ और मुसलमान 6531 करोड़। मतलब कुल आबादी होगी 1300 करोड़। अभी दुनिया की कुल आबादी है 700 करोड़। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये सारी मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाली बातें बकवास हैं। भारत में क्या 1300 करोड़ लोग रह सकते हैं? सीधी सी बात है कि पॉपुलेशन एक वक्त के बाद स्टेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो और टॉपिक के साथ।